गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में और मैं हूं रमेश सिंह। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टेलीग्राम की कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स और सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनको कस्टमाइज करके आप अपना टेलीग्राम यूजर एक्सपीरियंस और भी बेटर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो आपको इस वीडियो में जो सीक्रेट सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूं, इनकी जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सभी सीक्रेट हैक्स के बारे में सीख जाओगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम अपने यूजर्स को उनके फ्रेंड्स की टेलीग्राम ज्वाइनिंग की नोटिफिकेशंस अक्सर भेजता रहता है। आपने देखा ही होगा, जैसे ही आपका कोई फ्रेंड जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी है वो टेलीग्राम ज्वाइन करता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाती है। ऐसे में अलग अलग फ्रेंड्स की टेलीग्राम ज्वाइनिंग की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलती है और आप इसे बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके लिए आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और सेटिंग्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने टेलीग्राम की अलग अलग सेटिंग्स आ जाएंगी। तो गाइज, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड साउंड्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशंस एंड साउंड सेटिंग्स में आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट ज्वाइंट टेलीग्राम। तो गाइज, इस ऑप्शन को आपको डिसेबल कर देना है। इसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से कोई भी फ्रेंड टेलीग्राम ज्वाइन करेगा तो उसकी टेलीग्राम ज्वाइनिंग की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। अब अगर दोस्तों आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट में प्राइवेसी ऐड करनी है तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में ब्लॉक्ड यूजर्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन सभी यूजर्स को देख सकते हैं जिनको आपने टेलीग्राम पर ब्लॉक किया होगा। और ब्लॉक्ड यूजर्स में से किसी यूजर को अगर आपको वापस अनब्लॉक करना है तो उसके सामने ये 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा तो इसमें आपको अनब्लॉक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब अगर दोस्तों टेलीग्राम पर आप अपने फ़ोन नंबर को सभी से छुपाना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर इजीली कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर आपको फ़ोन नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट इंटरफेस में एवरीवन ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, जिससे कि कोई भी आपका फ़ोन नंबर देख सकता है। इस कंडीशन में भी आप एक्सेप्शन ऐड कर सकते हैं और कुछ यूजर से अपना फ़ोन नंबर छुपा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको नेवर अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगी तो इसमें से आप जिस किसी कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करेंगे वो आपका फ़ोन नंबर नहीं देख पाएगा। अब अगर दोस्तों आप सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स को ही अपना फ़ोन नंबर शो करना चाहते हैं और बाकी सभी से हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट्स के इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, जिसके बाद सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स ही आपका फ़ोन नंबर देख सकेंगे, बाकी अदर यूजर्स नहीं। लेकिन इस कंडीशन में भी आप एक्सेप्शंस ऐड कर सकते हैं और ऑलवेज अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके उन यूजर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको इस कंडीशन में भी अपना फ़ोन नंबर शो करना चाहते हैं। इसके अलावा नेवर अलाउ ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से उन कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनसे आप अपना फ़ोन नंबर हाइड करना चाहते हैं। अब अगर दोस्तों आप अपना फ़ोन नंबर पब्लिकली सभी से हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नोबॉडी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जिसके बाद आपके अलावा कोई अदर यूज़र आपका फ़ोन नंबर नहीं देख पाएगा। लेकिन इस कंडीशन में भी आप एक्सेप्शन ऐड कर सकते हैं और ऑलवेज अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके उन यूजर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें अपना फ़ोन नंबर शो करना चाहते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपके फ़ोन नंबर के थ्रू आपको कौन कौन सर्च कर सकता है ये आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप अपना लास्ट सीन या फिर ऑनलाइन स्टेटस सभी से छुपा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट्स और नोबॉडी। तो इनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे एक्सेप्शन भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफाइल फ़ोटो को अगर आपको हाइड करना है तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट इंटरफेस में जैसे कि आप देख सकते हैं एवरीवन ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, जिससे कि पब्लिकली कोई भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर देख सकता है। इस कंडीशन में भी आप एक्सेप्शंस ऐड कर सकते हैं और नेवर अलाउ ऑप्शन पर क्लिक करके उन कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनसे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो हाइड करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप माई कॉन्टैक्ट्स के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपके टेलीग्राम कॉन्टैक्ट्स ही आपकी प्रोफाइल पिक्चर देख पाएंगे। ऐसे में भी आप ऑलवेज अलाउ और नेवर अलाउ वाले यूजर्स को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों आपको अपना टेलीग्राम अकाउंट डिलीट करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर डिलीट माई अकाउंट सेक्शन में इफ अवे 4 के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा तो इसमें आप मिनिमम 1 मंथ से मैक्सिमम 1 ईयर का
सेल्फ डिस्ट्रक्शन टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आपको मिनिमम टाइम में अपने टेलीग्राम अकाउंट को डिलीट करना है तो यहाँ पर वन मंथ ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, जिसके बाद एक महीने तक अगर आप अपने टेलीग्राम अकाउंट को ओपन नहीं करते हैं, उसमें लॉगिन नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अगर आपको इससे भी जल्दी यानी कि इंस्टेंटली अपने टेलीग्राम अकाउंट को डिलीट करना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब अगर दोस्तों टेलीग्राम पर आप ऑटो प्ले वीडियोस, जो वीडियोस अपने आप प्ले हो जाती हैं, उन्हें अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको डेटा एंड स्टोरेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट इंटरफेस में आप ऑटो प्ले मीडिया का ये सेक्शन देख सकते हैं, तो इसमें GIFs के इस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए अगर जिप फाइल्स को ऑटोमेटिकली प्ले होने से रोकना चाहते हैं। और ऑटो प्ले वीडियोज़ को डिसेबल करने के लिए वीडियोज़ के इस ऑप्शन को भी डिसेबल कर दीजिए। दोस्तों टेलीग्राम पर आप जो भी इमोजी अपने फ्रेंड्स को सेंड करते हैं वो नॉर्मल साइज में सेंड होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक ऐसी सेटिंग ऑन कर सकते हैं जिससे उन सभी इमोजीज का साइज बढ़ जाएगा और आप अपने किसी भी फ्रेंड को सेम इमोजी बड़े साइज में सेंड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको चैट सेटिंग्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और चैट सेटिंग्स पेज में आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर लार्ज इमोजी का ऑप्शन देख सकते हैं, इसे आपको इनेबल कर देना है, जिसके बाद किसी भी चैट में आप जो भी इमोजी सेंड करेंगे वो बड़े साइज में सेंड होगी। दोस्तों अक्सर कई यूजर्स के टेलीग्राम अकाउंट्स हैक हो जाते हैं और उन्हें इसका पता नहीं चलता है। ऐसे में हैकर्स उनकी हर एक टेलीग्राम एक्टिविटी देख सकते हैं, वो कब कब किस किस से बातें करते हैं, किस किस से कौन कौन सी चैटिंग करते हैं, ये सब एक्टिविटी हैकर्स को पता चलती रहती है। ऐसे में आपको भी कुछ ऐसा डाउट है कि कहीं आपका टेलीग्राम अकाउंट हैक तो नहीं है, तो इसका पता लगाने के लिए आपको सिंपली डिवाइसेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने वो सभी डिवाइसेस आ जाएंगे जिन पर आपका टेलीग्राम अकाउंट लॉग्ड इन होगा। यहाँ पर टॉप साइड में दिस डिवाइस सेक्शन में आपका करंट डिवाइस नेम शो करेगा और इसके जस्ट नीचे एक्टिव सेक्शन में इस तरह से अगर आपके डिवाइस नेम के साथ कोई अननोन डिवाइस भी शो होता है तो इसका मतलब है कि कोई और भी है जो आपके टेलीग्राम अकाउंट को यूज़ कर रहा है, आपकी हर एक टेलीग्राम एक्टिविटी देख रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको सिंपली इस अननोन डिवाइस पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा, तो इसमें आपको फाइनली टर्मिनेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने हैक्ड टेलीग्राम अकाउंट को सिक्योर बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको टेलीग्राम की इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स और सेटिंग्स की जानकारी हेल्पफुल लगी होंगी और आपको काफ़ी पसंद भी आई होंगी। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक RMS लाइव लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।